जीवन में ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्व होती है स्मृतियों की। ये कहा जाता है कि हमारा जीवन स्मृतियों का संग्रह है। ऐसे में कुछ अच्छी यादें होती हैं जो मनुष्य को प्रसन्नता देती हैं, वही कुछ यादें बहुत अच्छी नहीं होती और ऐसी स्मृतियाँ हमारे जीवन में सबक या सीख लेकर आती हैं। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग और खास तौर पर युवा हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, उनके वर्क परफॉर्मेंस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे बढ़ाई जा सकती है अपनी स्मरण शक्ति। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक होती है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। जो स्मरण शक्ति है ये हमारी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेमोरी की डिजीजेज हैं जैसे डिमेंशिया है या अर्ली ऑनसेट मिनिमम डिमेंशिया है, उसके कुछ कारण तो रिवर्सिबल हैं, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है, इन सब की वजह से भी हमारी मेमोरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है या भूलने की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बिनाइन फॉरगेटफुलनेस है जिसको हम ये कहते हैं कि आप चाबी रख के भूल गए, चश्मा रख के भूल गए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, हो सकती हैं एक सर्टन एज के बाद, जिसको हम मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। ये बेनाइन चीज़ है और सभी के साथ होती हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारी जीवन शैली काफ़ी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार कई घंटों तक काम करना और कई तरह के कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं की अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, कई काम एक साथ करने में कार्य ठीक से ना हो पाना, तनाव और अवसाद, नींद पूरी ना होना, अनियंत्रित जीवन शैली, कुछ दवाएं, असंतुलित आहार का सेवन, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान, हार्मोन का असंतुलन, एकाग्रता की कमी और याददाश्त में कमी की समस्या, ये सभी कारक हमारी स्मरण शक्ति या स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका, और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में लाके इसको कम करना चाहिए। और लाइफ में जो टास्क हैं आपके, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको, चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फ़ोन पे अपनी अपॉइंटमेंट्स रखें, अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे तो ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना को कितनी रुचि व महत्व दिया है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में व्यक्ति या घटना को याद करना आसान हो जाता है। अच्छी स्मरण शक्ति स्कूल, कॉलेज या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है। इसकी मदद से हम नई व उन्नत तकनीकों व परिवर्तनों को तेजी से ग्रहण कर पाते हैं। कि हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक्टिव रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट,
अगर अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी मिनरल्स वाली डाइट लेंगे आप, अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज़ की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 days a week, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे, तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। मानव शरीर की संरचना एक सुपर कंप्यूटर जैसी है। मस्तिष्क की स्मृति की शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यजनक कर देती है। दशकों से मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की स्मरण शक्ति पर खोज कर रहे हैं और उसको अद्भुत बताया गया है। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है। स्वस्थ जीवन शैली स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अगर ये